सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदौलेकर, इनका प्रवचन 6 मई। स्वार्थ को नियंत्रित करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। परस्पर प्रेम बढ़ने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं। 1, छोटी बड़ी बातों की ओर ध्यान न देकर हर एक का स्वभाव जानने के लिए थोड़ी गुंजाइश रखें, जिससे द्वेष नहीं बढ़ेगा। 2, कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है कि जिससे सभी प्रेम करते हैं, उस बात को देखने की हमारी दृष्टि हो। 3, कोई सूचना देनी हो तो सीधे उस व्यक्ति से ना कहें, नम्रता और मधुर वचनों से अप्रत्यक्ष सूचना दें। 4, अत्यंत महत्व की बात जिससे उपर्युक्त सभी बातों का अंतर्भाव हो जाता है, वो है अपने स्वार्थ पर रोक लगाना। मैं अपने लिए जितना हूँ ऐसा लगता है, उससे भी अधिक दूसरों के लिए भी हूँ ऐसा लगना सबसे अहम बात है। इस प्रकार का भान रखकर बर्ताव करना ही प्रेम में वृद्धि करने में सहायक होता है। जिस व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधना नहीं है, उसे किसी भी बात की त्रुटि नहीं रहेगी। जहां निस्वार्थ है, वहां भगवान सहायता करेगा ही। अब स्वार्थ का विचार करते समय हमें सहज ही लगता है कि हम कहां स्वार्थी हैं, हम कहां किससे कुछ मांगते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि हम स्वार्थी नहीं हैं। अहंकार जितना जबरदस्त होता है, उतना ही स्वार्थ। उसकी जड़ें इतनी गहरी और सूक्ष्म होती हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। स्वार्थ 3 प्रकार का हो सकता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। मेरी देह को किसी दूसरे के लिए कष्ट ना हो, ऐसी सावधानी से बरतने को कायिक स्वार्थ कहते हैं। मैं जो बोलूंगा वो सब माने, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मैं कुछ कम ज्यादा कह दूं तब भी उसे सब चुपचाप सहें, इस वृत्ति को वाचिक स्वार्थ कहा जा सकता है। और मेरे मत के अनुसार सब लोग व्यवहार करें, मेरा ही कहना सही है ऐसा सब माने, इस प्रकार की अपनी इच्छा रखना मानसिक स्वार्थ कहा जा सकता है। अब मैं अपने लिए जितना हूँ उससे अधिक दूसरों के लिए हूँ ऐसा जब सोचा जाता है, तो एक बात स्पष्ट होती है कि मैं जितनी जैसी सुविधाएं अपने लिए रखता हूँ, उससे भी अधिक सुविधाएं दूसरों के लिए रखनी चाहिए। मतलब ये कि जो दूसरा हमारे लिए करता है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, वही बात हम दूसरे के लिए ना करें। ठीक इसके विपरीत है, दूसरा हमारे लिए जो कुछ करता है और उसकी वो कृति हमें अच्छी लगती है या सुखद लगती है, वही कृति हम उसके लिए करें। ये सभी बातों का सार है और यही सच्चा धर्म है। हम जब तक संसार से प्रेम नहीं करते, तब तक दूसरों से हमें प्रेम नहीं मिलेगा, दूसरे हमसे प्रेम नहीं करेंगे। हम अनेकों से प्रेम करें तो हम अकेले ही उन सबके लिए कुछ करते हैं, लेकिन यदि कोई मौका आ गया तो वे सब हमारी सहायता करते हैं। जो बहुतों का हो जाता है वही भगवान का हो गया ऐसा समझो। जो निस्वार्थ बुद्धि से प्रेम करता है उसे निश्चित आनंद प्राप्त होता है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।